हाँ तो बच्चों, आज हम सिखाएंगे आपको क्लास 8 की मैथ में इकाई 5 के बारे में, जो है बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणन खंड। तो सबसे पहले हम बीजी व्यंजक क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। बीजी व्यंजक जैसे हो गया हमारा 12x³ + 3xy, ये हो गया हमारा बीजी व्यंजक, जो हम xy के फॉर्म में लिखते हैं या नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, इसे हम बीजी व्यंजकों के रूप में जानते हैं। इससे पहले हमने गुणा भी सीखा है और जोड़ भी सीखा है, जोड़ घटाना गुणा भाग। हमने अब हम सिखाएंगे भाग के बारे में, बीजी व्यंजकों के भाग कैसे हैं। इसके पहले हम आपको बताते हैं कि पद क्या होते हैं, कितने पद में, एक पद, दुई पद, बहुपद, चर अचर। चर अचर आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं कि चर क्या होता है। इसे हम वेरिएंट भी क्या बोलते हैं। चर जो होता है हमारा A to Z या A B C या X Y Z कुछ भी हो सकते हैं चर। जैसे हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से बता दे रहे हैं, ये कहानी के हिसाब से समझ लीजिए। जैसे क्या होता है, होटल वगैरह में हम लोग जाते हैं तो वेटर वेटर रहते हैं। यस। जब वेटर आता है तो हमें कोई चीज़ हम लोग ऑर्डर करते हैं तो वो मुझे लेकर के आते हैं। खाने के योग्य कुछ चीज़ें होती है, देने के बाद हम उन्हें जब बिल लेकर के आते हैं तो बिल के साथ उन्हें कुछ टिप हम देते हैं। क्या देते हैं उनका अमाउंट से, मान लीजिए 10 हो गया और कुछ, उसके हम टिप के रूप में उन्हें कुछ पैसा देते हैं। तो हमारा ऐसे टिप के रूप में हम किसी, कोई होता है 10 रुपये देता है, कोई 20 रुपये देता है, कोई 50 रुपये देता है। अब ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि कौन सा व्यक्ति कैसे कितने का टिप दे रहा है। तो उनका जो अमाउंट हुआ, बिल जितने का हुआ, वो प्लस टिप, ये समझ लीजिए हमारा एक्स वाई जो है, ये समझ लीजिए एक एज ए टिप के रूप में ही है। अब टिप जैसे हम फिक्स नहीं है कौन सा व्यक्ति कितना टिप देगा, वैसे ये भी हमारे एक्स और वाई का मान फिक्स नहीं होता कि कहाँ पर कितना जाएगा। ये क्वेश्चन के ऊपर दिखाता है कि हमारा एक्स, ये जो चर है, चर का मान क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, इस क्वेश्चन पे कितना हो रहा है, कितना होगा या कितना आएगा। चलिए हम जान लेते हैं। अब जैसे चर हो गया, ये हो गया, अचर संख्या जानते ही होंगे। अचर हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट, ये सभी हमारा अचर हो गया। अब इन दोनों के योग से ही कुछ नंबर बनाए जाते हैं। जैसे इसमें अचर हमारा हो गया, इसे मैंने वही बताया आपको, 12x² + 3xy। इसमें चर और अचर दोनों पाए जा रहे हैं, चर और अचर दोनों पाए जा रहे हैं। इसमें देखो एक पद भी होता है। क्या होता है पद, सबसे पहले हम पद के बारे में बता देंगे आपको। अब चलिए हम जानते हैं, चर अचर को आप लोग समझ ही गए होंगे कि चर अचर क्या होता है। अब ये दोनों चर और अचर हो रहा है, तो इसमें से हम अब देखते हैं, चलिए पद के बारे में, चर अचर जान गए हैं तो पद के बारे में पहले देख लेते हैं हम कि पद क्या होता है। पद इसे हम टर्म्स भी कहते हैं। पद में जैसे हमारा ये 2xy, ये हमारा एक पद होगा, क्योंकि इसमें देखिए 2xy, इसमें चार तो दो हैं, एक x है ये और एक y है, ये दोनों क्या हैं, चार राशि हैं। ये कौन सी राशि है, एक अचर राशि है जिसका मान फिक्स है। दो अचर का मान जो भी रहता है फिक्स रहता है। अचर यदि दो है तो दो ही रहेगा, हम दो को 10 या 5 नहीं मानेंगे, मानेंगे दो को 10 है ये 5 है, ऐसा नहीं कर सकते, ये दो है तो दो ही रहेगा। अब इसमें हम देखिए एक ये हमारा गुणांक हो गया, इसको हम गुणांक भी कह सकते हैं, अचर की जगह पर क्या कहेंगे, गुणांक। क्योंकि अगर अब हम इसमें से अगर 2x का गुणा कर रहे हैं तो ये हमारा गुणांक इसी के साथ होगा, किसके साथ, दो का गुणा दो में, चर का गुणा चर में और अचर का गुणा अचर में किया जाएगा, तो ये सभी गुणांक भी होंगे। अब इसे पद की बात अगर हम करते हैं तो कौन सा किसका कितना पद है, तो पद की अगर बात करेंगे तो हम, मैंने देखिए 2xy + 3x, तो इसमें पद को जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो नंबर है या चर या अचर और जो चर का समूह है, उस समूह में प्लस माइनस वेरिएंट है। अगर प्लस माइनस है
तो उसमें से तो उसके आगे और कोई अंक अगर ये हमारे जैसे प्लस हो गया 2xy + 3x, प्लस के इस पर प्लस के दाएं साइड भी कुछ अंक हैं और प्लस के बाएं साइड भी कुछ अंक हैं, कुछ अंक देखने को हमें मिल रहे हैं। तो ये हमारा दो पद में मिल रहा है, कितने पद में, दो पद में। दो पद में क्यों, क्योंकि प्लस के इस बाएं साइड और दाएं साइड दोनों और कुछ अंक हैं। अगर प्लस मैंने या माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर 3x³ कर दिए तो इसमें तीन पद ही हो गया। अब इसी को हम बहुपद के नाम से भी जानते हैं, जो कक्षा 9th में आपको देखने को मिलेगा। कक्षा भी तो कक्षा 8 वाला पढ़ रहे हैं, जब क्लास 9th में जैसे ही हम जाएंगे तो मुझे एक बहुपद नाम का एक चैप्टर देखने को मिलेगा, जिसमें यही ये जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं 2xy + 3x + 4। पद को सभी लोग जान गए, अब हम एक पद का भाग देखेंगे। क्या देखेंगे, एक पद का भाग। सबसे पहले इसमें से देख लेते हैं, हमारी किताबों में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उसी क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हुए चलेंगे। एक पद का भाग इसमें दिया गया है 12x³y² - 4xy। ये क्वेश्चन है, अब देखेंगे पहले ये दोनों तो एक पद ही है या दो पद में है, ये कितने पद में है, एक पद में। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक प्लस, इसके बाहर प्लस के बाद कुछ अंक देखने को मिल रहे हैं, प्लस के पहले कुछ तो नहीं है, प्लस के दाएं साइड ही कुछ अंक हैं और प्लस के बाएं साइड कुछ अंक देखने को मिल रहे नहीं। तो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित हो रहा है कि ये एक पदी व्यंजक है। और ये वाला हमारा भी, ये भी एक पदी है। ये चर तो इसमें दो हैं, एक एक्स और एक वाई, लेकिन पद एक ही है। अब इसमें पहले हम चर अचर को अलग कर लेते हैं, जिसमें से हमारा 12 ये डिवाइड का मतलब बटा ही होता है इस माइनस 4, और हमारा क्या था, ये x³y² / जो है xy। अब जैसे नॉर्मल साधारण भाग होता है तो हम 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 काट देते हैं, तो -3 मुझे प्राप्त हो गया। अब इसमें जो हम बीजी व्यंजक के जो नंबर है, इसमें भाग देने के लिए बीजी व्यंजक के जो मान देखने को मिल रहे हैं, इसमें भाग देने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इसमें जैसे मैंने बता दिया कि x^n है / x^O है, तो हम देखेंगे हमारा x^n - O, ये हमारा एक फॉर्म तैयार होकर के आता है। तो मतलब जैसे अगर देख लिया, मैंने आपको बता रहे हैं कि एग्जांपल के रूप में जैसे 2^5 है, तो नहीं यहाँ पे हो गया, जैसे x^5 है / x^3 है, तो इक्वल टू हमारा हो गया x^5 - 3। x^5 में से 3 गए 2, x^2 होगा। इसी प्रकार हम जब बीजी व्यंजक का भाग देंगे तो इसके जो घात होता है, घात को हम घटाते हैं, और गुणा में क्या था, इसके घात को जोड़ा जाता था, और इसमें भाग में इसके घात को घटाया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखना है, बाकी जो भाग है, जो जैसे भाग होता है वो भाग वैसे ही रहेगा। एक सीक्वेंस था या एक फॉर्म था जिसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा बीजी व्यंजक का अंकीय भाग हम तो लोग जानते ही हैं, पहले ही बताया गया। अब भी जैसे काट देते हैं सीधा, जो भी सॉल्व होगा, नंबर का नंबर से कनेक्शन हो गया, नंबर का नंबर से काट दिए। अब जो अंक बीजी व्यंजक के एक्स वाई है, ए बी सी या कुछ भी है, उसका भाग देने के लिए मैंने अभी एक फॉर्म इधर बताया। तो इसमें इसको जब हम क्या करेंगे, अब यही है हमारा x³ में से x^(x^2) यहाँ पर 1 है, यहाँ का जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब यहाँ पर कितना पाया जाता है, 1 पाया जाता है। तब जब हम 2 में से 1 कर x^2 y^2 n, इधर देखो। अब जैसे क्या था, साधारण भाग था, अब इसमें से मैंने बताया भी आपको बीजी व्यंजक का जो भाग है उसे कैसे सॉल्व करेंगे।
अब यक्ष यक्ष हमारा ऐसे में ऐसे यक्ष 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 के पावर यन था, इसमें यक्ष के पावर ओ था। अब मैंने इधर किया यन माइनस ओ कर दिया, तब जैसे इधर था यक्ष पावर फाइव यक्ष पावर थ्री, तो यक्ष पावर फाइव माइनस थ्री किया तो यक्ष पावर टू प्राप्त हुआ। वैसे यक्ष पावर थ्री है, यक्ष पावर यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रहा है, जहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पर हम एक मानते हैं। किसी भी कोई भी अंक है जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर एक माना जाता है। वाई के पावर भी कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर कितना होगा, वाई के पावर वन होगा। अब हम यक्ष के पावर थ्री में से यक्ष के पावर वन माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यक्ष के पावर टू मिलेगा। अब दोबारा जो है हमारा वाई वाला टर्म या दूसरा जो दूसरा चर राशि है वो उसमें वाई के पावर टू है, इसमें वाई के पावर वन है। अब इसमें वाई के पावर टू माइनस वन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, वाई ही बचेगा। तो इसका जो आंसर था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारा हो गया आंसर। अब बीजी व्यंजकों के भाग के बारे में मैंने आपको बताया कि एक पदी बीजी व्यंजक का भाग जो होगा कैसे इस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग भी एक पदी व्यंजक के बारे में समझ ही चुके होंगे कि एक पदी व्यंजक का भाग जो है कैसे किस प्रकार दिया जा रहा है। तो अभी हम आपको और आगे के द्विपदी व्यंजक के बारे में बताने वाले हैं। देखते हैं द्विपदी व्यंजक का जो भाग कैसे किस प्रकार सॉल्व किया जा रहा है, इधर आगे कर लो उसे। अब हम द्विपदी व्यंजक के बारे में देख लेंगे। द्विपदी व्यंजक के बारे में द्विपद, द्विपद व्यंजक का भाग किस प्रकार कैसे किया जा रहा है। द्विपद व्यंजक का भाग जैसे हमारा हो गया, मान लीजिए 12x² y + 8x³y² - 4, द्विपद व्यंजक देखेंगे ना, द्विपद व्यंजक में हो गया 12x² y + 8x² y। इसमें भाग देंगे हम, यहाँ पर हो गया 4xy से। ये मैंने बताया पद के बारे में बता ही दिया था कि पद क्या होता है, ये जो प्लस है प्लस के दाएं साइड तथा बाएं साइड यदि अंक हमें देखने को मिल रहे हैं तो वो पदों में गिने जाएंगे। अब प्लस के दाएं साइड का एक ये हुआ, प्लस के बाएं साइड का एक हो गया, प्लस के दाएं साइड के ये एक हो गया, तो एक एक दो पदी हो गया। अब इस प्लस या माइनस इसके आगे होता तो वो जो होता है त्रिपदी या बहुपदी होता। इसी प्रकार अब इसका द्विपदी का हम देख रहे हैं अभी भाग, ये जो हमारा एक टर्म दिख रहा है ये अब इसको हम भाग देंगे इसमें। जैसे अब मैंने अभी ये भी आपको बताया ये 12x² y + 8x³y, इसे पूरे का बटा क्या है 4xy, पूरे का बटा क्या है 4xy। अगर हम अब इसमें अलग करेंगे तो अगर चर अचर को क्या करते हैं, अलग कर लिया मैंने 12/4 इधर क्या +8/4 ये होगा, और चर वाला क्या था x² y / xy और x³y / xy। ये चर और अचर को अलग करने पे मिल रहा है, तो इसको अलग करेंगे तो मुझे फिर मिलेगा 4 × 4 = 12, 4 × 4 = 8, यानी कि 2 + 3 मिल रहा है 2/1 + 3/1। इसका भी भाग देंगे तो अभी मैंने बताया कि x के पावर 2 है तो इधर x के पावर 1 है, तो जब भाग देंगे तो भाग में घात घट जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा, y के पावर y कुछ नहीं है, तो ये ख़त्म। x के पावर 3 में से x के पावर जैसे y के पावर 1 y के पावर n, इसका थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, जब x y के पावर, इसमें y है, y के पावर 1 अपान y के पावर 1 है, 1 को हम लिखते ही नहीं है, तो मतलब ऐसे y के पावर कुछ नहीं, y के पावर कुछ नहीं, जब इसे हम घटाएंगे तो इस रूप में घटाएंगे, y के पावर 1 - 1 = y के पावर 0 हो गया। अब बीजी व्यंजक में जब y के पावर 0 होता है तो हम उस पद को लिखते नहीं है, उस पद को भाग के समय इस पद को लिखा नहीं जाएगा जिसके घात 0 आएगा, तो
जैसे इसके घात एक था एक में से घटा मैंने जीरो आ गया, तो इस घात को सीधा हम काट देंगे, लिखेंगे नहीं। इसमें भी है वही चीज़ें हैं, इसको काट देंगे, इसमें एफ की पावर टू बचेगा। तो इसके इसी के अनुसार हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। इसको देखिए किस प्रकार सॉल्व किया जा रहा है। ये सीधा फोर है, फोर या तो हम अलग करके चर अचर को अलग करके सॉल्व करें या इसी में करें, बात एक ही है। सिर्फ समझने के लिए मैंने अभी आपको बताया, सीधा मैंने चार एक का चार, चार तीन बारह कितना हुआ 3 प्लस एक्स के पावर 2 है, इधर एक्स की पावर 1 है। जब इसे हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा एक्स वाई की पावर वाई, वाई की पावर वाई से ख़त्म हो गया, प्लस का प्लस हो गया, इधर चार एक का चार, चार दूना आठ कितना बच रहा है 2, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 3, जब माइनस करेंगे तो कितना होगा एक्स के पावर 2 बचा, वाई वाई यहाँ पर भी ख़त्म हो गया, क्या हुआ ये हमारा 3x प्लस 2x स्क्वायर, या फिर अभ्यास पाँच का ए, ए का जो पहला क्वेश्चन हमारा है 8x स्क्वायर वाई जेड में से 2xy, 8x स्क्वायर वाई जेड में 2xy से भाग कर रहा है, क्या कर रहा है 2xy से भाग। ये हमारा हो गया अभ्यास 5 के ए का पहला क्वेश्चन। पहला है क्वेश्चन हमारा 8x स्क्वायर वाई जेड में 2xy से भाग, तो ये एक पदी ही है, एक पदी का भाग मैंने आपको बताया है अभी, ये क्या है 8x स्क्वायर वाई जेड अपान 2xy, 2 से मैंने इसको काट दिया तो क्या हो गया इक्वल टू 2 × 2 = 2 4, एक्स घाते 2 में से एक्स घाते 1 गया कितना हुआ एक्स हुआ, वाई का वाई ख़त्म हो गया, क्या बचेगा जेड 4xz, ये हमारा हो गया आंसर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है देख लीजिए, अभ्यास 5 के ए का दूसरा क्वेश्चन, तो ये हमारा हो गया अभ्यास 5 ए का दूसरा क्वेश्चन, 15x² y³ में से 3x² y² से भाग देना है। ये भी अभी एक पदी है, एक पदी व्यंजक का भाग मैंने आपको बताया ही अभी। इसका दूसरा भी देख लेते हैं, इसको हम क्या कर देंगे 15x² y³ अपान 3x² y² जब इसे हम भाग देंगे तो कौन 3 से 15 में काटेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, यहाँ पर 5 हो गया, x की पावर 2 है तो हमारा ये खत्म, x की पावर 0 हुआ जब 0 होगा तो उसे हम लोग लिखते नहीं है, ये खत्म हो गया। y³ या y² में से जब हम इसे निकालेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा क्या मिलेगा y की पावर 2 में से y³ में से y² गए क्या बचेगा y बचेगा, तो यहाँ पर हो गया y 5y, ये हमारा हो गया आंसर। दूसरे का क्या होगा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अब हम आप लोगों को बताएंगे एक बहुपद में द्वि बहुपद से भाग, क्या बताएंगे एक बहुपद में द्वि बहुपद से भाग किस प्रकार दिया जा रहा है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे।